नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इराक़ के शहर कूफा में और आज मैं आपको ज़ियारत करवाऊँगा ऐसे घर की जिसमें अमीर कायनात अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम रहा करते थे। शहर कूफा में वाकिया दारुल अमारा के करीब मस्जिद कूफा के साथ बैत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम है और ये वही बैत है जहां पर मौला अली अलैहिस्सलाम अपने खिलाफत के दौर में रहा करते थे। ये वही बैत है जब 21 रमजान उल मुबारक को मौला अली अलैहिस्सलाम नमाज फजर के लिए मस्जिद कूफा में जा रहे थे तो बत्तखों ने मौला अली अलैहिस्सलाम का रास्ता रोक रही थी और मौला अली अलैहिस्सलाम को फरियाद करके कह रही थी कि मौला आज आप नमाज के लिए ना जाएं। और मौला अली अलैहिस्सलाम के घर के साथ ही मस्जिद कूफा वाकिया है जहां पर 19 रमजान अल मुबारक को मौला अली अलैहिस्सलाम को ज़र्बत लगी। ज़र्बत के बाद 21 रमजान अल मुबारक को मौला अली अलैहिस्सलाम को इसी बैत अली में गुसल दिया गया और इस घर में मौला अली अलैहिस्सलाम की गुसलगाह भी वाकिया है जहां पर आपको गुसल दिया गया था और जिस कुएं से पानी निकाला गया था वो भी मौला अली अलैहिस्सलाम के इस घर में वाकिया है और घर की दीवार छत आज भी वैसी ही है जैसी मौला अली अलैहिस्सलाम के दौर में थी। लाखों की तादाद में जायरीन मौला अली अलैहिस्सलाम के इस घर की ज़ियारत को आते हैं।